Hello everyone, myself Dr. Meenu Arora. So today I am going to explain a topic under the management accounting or the cost accounting, that is the flexible budget. Now flexible budget is a budget designed to change in accordance with the level of activity actually attained. Flexible budget वो budget है जिसको हम अपने accordingly किसी भी लेवल ऑफ एक्टिविटी पे अपने अकॉर्डिंगली फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंगली चेंज करके कन्वर्ट कर सकते हैं उस बजट के सारे एक्सपेंसेस को और हम कैलकुलेट कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दैट लेवल ऑफ एक्टिविटी फॉर विच वी वांट टू कैलकुलेट. मान लीजिए आपके क्वेश्चन में फ्लेक्सिबल बजट दिया हुआ है, 5000 लेवल ऑफ एक्टिविटी पे सारी कॉस्ट दी हुई है उस बजट की और आपसे क्वेश्चन में कहा है कैलकुलेट द बजट एट द लेवल ऑफ 10,000 यूनिट्स और इफ योर फैक्ट्री इज प्रोड्यूसिंग एट 50% एंड यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द बजट एट 100% लेवल और 80% लेवल ऑफ प्रोडक्शन. तो ऐसे केसेस में आप अपने सारे एक्सपेंसेस को कन्वर्ट करेंगे 50% से 80% पे और 50% से 100% लेवल पे. तो दैट मींस दिस इज द बजट विच इज डिजाइंड टू चेंज इन अकॉर्डिंग विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी एक्चुअली अटेंड. जिस लेवल ऑफ एक्टिविटी पे आप एक्चुअली इसको बनाना चाहते हैं, कॉस्ट को जज करना चाहते हैं, उस लेवल ऑफ एक्टिविटी पे आप इस बजट को अपने अकॉर्डिंगली फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर सकते हैं कॉस्ट को. नाउ देर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस विच इज नॉर्मली गिवन अंडर योर बजट. नंबर 1 इज द फिक्स्ड एक्सपेंसेस और यू कैन से दैट फिक्स्ड कॉस्ट. Now these are the costs which remain fixed at every level of production. ये cost वो है जो fixed रहती है आपके हर level of production के लिए. अगर आपके question में cost given है at 50% level, cost of the rent is given as ₹10,000 per month. Now rent की जो cost है per month, that is the fixed expenses whether you are producing at 50% or whether you are producing at 80%. Fixed means that remains fixed at every level of production. तो fixed cost question में जहां भी दी होंगी, fixed expenses जहां भी दी होंगे, आपको उसको change नहीं करना है, आपको उसको as it is mention करना है. Number 2 is the variable cost आपके question में given होंगी, variable expenses. तो variable expenses are always vary proportionately with the production. वेरिएबल एक्सपेंसेस जो है प्रोपोर्शनेटली आपके प्रोडक्शन के साथ वेरी करते हैं. वेरिएबल एक्सपेंसेस इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन और वेरिएबल एक्सपेंसेस डिक्रीजेस विद द डिक्रीज इन प्रोडक्शन. तो पर यूनिट कॉस्ट वेरिएबल एक्सपेंसेस में आप कैलकुलेट करके नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे. तो दीज आर द वेरिएबल एक्सपेंसेस. नेक्स्ट वन इज द सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस. सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस आपके एक्सपेंसेस सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सपेंसेस होते हैं. इन एक्सपेंसेस में सम पार्ट ऑफ द एक्सपेंसेस आर फिक्स्ड एंड सम पार्ट ऑफ द एक्सपेंसेस आर वेरिएबल. सेमी वेरिएबल मींस कुछ पार्ट इसमें आपके एक्सपेंसेस का फिक्स्ड है और रेस्ट पार्ट इज वेरिएबल. तो सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस जब आपके क्वेश्चन में दिए होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इन एक्सपेंसेस को बाइफरकेट करना है अमंग्स द फिक्स्ड एंड द वेरिएबल. अगेन द फिक्स्ड एक्सपेंसेस डज नॉट चेंज विद द चेंज इन द एक्टिविटी लेवल. तो सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस में जो फिक्स पार्ट होगा दैट रिमेन सेम एट ऑल द लेवल्स ऑफ एक्टिविटी, बट जो वेरिएबल पार्ट होगा दैट कॉम्पोनेंट चेंजेस प्रोपोर्शनेटली विद द एक्टिविटी. उस कॉम्पोनेंट को हम प्रोपोर्शनेटली चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन लेवल, अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ प्रोडक्शन गिवन इन योर क्वेश्चन. तो सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस के एग्जाम्पल्स क्या क्या है. Number 1 is the employees benefits or employee salary. That means employees को जो salary दी जाती है वो per month के basis पे दी जाती है, that is the fixed salary. But at times the bonus and commission is paid to the employee depends on the employee performance. Commissions है, bonus है जो employee के sales target पे fix कर दिए जाते हैं या उनकी performance पे fix कर दिए जाते हैं, that is
on the basis of percentage. So that means that is a part of the variable expenses. तो employee salary can be a part of the semi-variable expense, जिसमें जो fixed part है वो employee का monthly part है, और जो bonus और commission company targets पे achieve करने के लिए employee की performance के लिए pay off करती है, that part is a variable part. Next is the electricity bill. Electricity bill में आप के जो लोड पे आप पेमेंट करते हैं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द मिनिमम किलोवाट आर जो पेमेंट की जाती है, प्लस ओवर एंड अबव जो आप पेमेंट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर यूसेज पर किलोवाट आर जो एडिशनल पेमेंट होती है एक मिनिमम पेमेंट के बाद, दैट इज अ पार्ट ऑफ द वेरिएबल एक्सपेंसेस. तो here also some part is fixed and some part is variable. So these are the examples of the semi-variable expenses. Even you can say the telephone expenses bill. Monthly rental pe kai bari aap telephone bills ko lete hain, to monthly rental pe. If the incoming calls are free on monthly rental, that means agar aap usme outgoing calls karte hain, to outgoing calls mein aapko per call payment karna padta hai. That is a part of the variable expenses over the fixed amount jo aap pay kar rahe hain uspe as a monthly rental. So there are many examples of semi-variable expenses in the real life. चलिए start करते हैं समझना कि flexible budget को कैसे prepare किया जाता है. So I am taking this question on the flexible budget. Question में mention है prepare the flexible budget for the production at 80% and 100% activity on the basis of the following information. आपको जो budget बनाना है वो 80% पे बनाना है और 100% production level पे बनाना है. Question में जो production दिया हुआ है 50% capacity level पे दिया हुआ 5000 units. अगर क्वेश्चन में 5000 यूनिट्स दिए हैं 50% पे और हमें बजट को प्रिपेयर करना है 80% पे एंड 100% पे, तो 50% पे अगर 5000 है तो 100% पे द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन इज 10000. तो 100% पे कैपेसिटी पे अगर फर्म प्रोडक्शन करती है तो नंबर ऑफ यूनिट्स आपके हो जाएंगे 10000. 50,000 पे 50% कैपेसिटी पे 5,000, 100% कैपेसिटी पे 10,000. एंड अगर आपको क्वेश्चन में 80% कैलकुलेट करना है तो 80% इज 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 80%, दैट इज 8,000 यूनिट्स. सिमिलरली क्वेश्चन में कुछ भी लेवल दिया हो, आप फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे 100% पे, उसके बाद आप उसके अकॉर्डिंगली उसको चेंज करते जाएंगे. तो क्वेश्चन में अब जब आप फ्लेक्सिबल बजट बनाएंगे तो क्वेश्चन में तीन लेवल के हम फ्लेक्सिबल बजट बनाएंगे. थ्री लेवल्स पे आपको एक्टिविटीज को अरेंज करना है. नंबर वन जो ओरिजिनल एक्टिविटी है 50% की, उस पे कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे. नंबर टू 80% पे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, एंड 100% फॉर द नेक्स्ट लेवल. तो थ्री लेवल ऑफ एक्टिविटीज हम यूज करेंगे वाइल प्रिपेयरिंग द फ्लेक्सिबल बजट, 50%, 80% एंड 100%. नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है रॉ मटेरियल. तो रॉ मटेरियल एट द रेट ऑफ 40 रुपीज पर यूनिट दिया हुआ है, दैट मीन दिस इज माय वेरिएबल एक्सपेंस. ये क्लियर कट मेंशन है पर यूनिट, तो दैट मीन्स ये वेरिएबल हेड में आएगा. नेक्स्ट है डायरेक्ट लेबर. डायरेक्ट लेबर आर अगेन वेरिएबल एक्सपेंस, 20 रुपीज पर यूनिट. नेक्स्ट है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, 15 रुपीज पर यूनिट, अगेन एंड वेरिएबल एक्सपेंस. नेक्स्ट है आपका फैक्ट्री एक्सपेंसेस 50,000. नाउ 50% इज फिक्स्ड. क्लियर कट मेंशन है क्वेश्चन में 50% फिक्स्ड, दैट मींस हाफ ऑफ द पार्ट इज फिक्स्ड एंड द हाफ पार्ट इज वेरिएबल. सो दिस इज अ केस ऑफ सेमी वेरिएबल एक्सपेंस, वेयर सम पार्ट ऑफ माय एक्सपेंसेस फिक्स्ड एंड सम पार्ट ऑफ माय एक्सपेंसेस वेरिएबल. नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 60,000, 60% इज फिक्स्ड. तो अगेन सम पार्ट इज फिक्स्ड एंड सम पार्ट इज वेरिएबल. तो ये पार्ट भी हमारा कंपोनेंट सेमी वेरिएबल का हो गया. नेक्स्ट है 30,000 इज द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस. 90% वेरिएबल है, अगेन 10% आपका फिक्स्ड है. अगेन दिस इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस. प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे हमें अपने एक्सपेंसेस को बाइफरकेट करना पड़ेगा अमंग द फिक्स्ड एंड अमंग द वेरिएबल.
तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फैक्ट्री एक्सपेंस को थोड़ा सा बाइफरकेट करना सीखते हैं। फैक्ट्री एक्सपेंसेस में 50,000 इज माय पार्ट, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। बिकॉज दिस इज अ सेमी वेरिएबल एक्सपेंस, फर्स्ट वी हैव टू डिवाइड दिस इनटू टू पार्ट्स, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। नाउ फिक्स्ड एंड वेरिएबल में बाइफरकेट करने के लिए क्वेश्चन में मेंशन है 50% इज फिक्स्ड, 50% ऑफ 50,000 इज 25,000 फिक्स्ड। सो 25,000 इज माई फैक्ट्री एक्सपेंसेस, जो फिक्स पार्ट है, दैट फिक्स पार्ट रिमेन्स फिक्स एट ऑल द लेवल्स ऑफ एक्टिविटी, वेदर यू आर प्रोड्यूसिंग एट 80% और 100%, ये 25,000 का पार्ट आपका बिल्कुल सेम एज इट इज चलेगा। अब 50,000 में से 25,000 हमारा फिक्स्ड हो गया, दैट मीन्स रिक्स 25,000 हमारा वेरिएबल हो जाएगा। अब इस 25,000 जो हमारा वेरिएबल है, ये हमारा किस लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे दिया हुआ है, ये हमारा 5,000 यूनिट्स पे दिया हुआ है। दैट मीन्स ये जो 25,000 है, ये हमने 5,000 यूनिट्स पे इंकर किए हैं। अगर आपने ये 5,000 यूनिट्स पे इंकर किए, दिस इज माय कॉस्ट, दिस इज माय नंबर ऑफ यूनिट, तो कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए हमारे पास 25,000 डिवाइडेड बाय 5,000 ये आ जाएगा 5 रुपी पर यूनिट। तो फैक्ट्री एक्सपेंस में 5 रुपी पर यूनिट इज माय वेरिएबल पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में टोटल अमाउंट इज 60,000। नाउ डिवाइड दिस इनटू द फिक्स्ड एंड द वेरिएबल। फिक्स्ड इज 60%, तो 60% ऑफ 60,000 इज फिक्स्ड, दैट मीन्स रेस्ट 40% आर वेरिएबल, राइट? तो 60% ऑफ 60,000 इज फिक्स्ड एंड द रेस्ट 40% आर वेरिएबल। 60% ऑफ 60,000 इज 36,000, बैलेंस 40% इज वेरिएबल, तो 40% ऑफ 60,000 इज वेरिएबल। नाउ दिस 24,000 इज एट द लेवल ऑफ 5,000 यूनिट्स। ये पूरे की पूरे एक्सपेंसेस जो हमें दिए हुए 5,000 पे दिए हुए हैं, तो 5,000 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे 24,000 को, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.80 पर यूनिट, 4.80। सो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इज 4.80 पर यूनिट, एंड दिस अमाउंट इज अ फिक्स्ड कॉस्ट व्हिच रिमेन्स सेम एट ऑल द लेवल्स ऑफ आउटपुट। ओके, नेक्स्ट पार्ट गिवन इन द क्वेश्चन इज सेमी वेरिएबल के लिए जो नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ है, दैट इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। So selling and distribution expenses, the amount is 30,000. In this part 90% is variable. In this part 90% is variable and 10% is fixed. So I am writing as fixed and variable. And 10% is fixed. So 10% of 30,000 is 3,000 fixed. That remains same at all levels of activity. And the variable is 30,000. That is at the rate of 90% is 27,000. So 27,000 का जो level दिया है, वो हमें 5,000 units पे दिया हुआ है. So 5,000 units से आप 27,000 divided by 5,000, so this is 5.40 per unit. That is my variable cost of selling and distribution expenses per unit. Now start karte hain flexible budget ko prepare karna.
फ्लेक्सिबल बजट को प्रिपेयर करने के लिए दिस इज द फॉर्मेट फॉर द फ्लेक्सिबल बजट. आपके क्वेश्चन में तीन लेवल दिए हुए हैं, कैपेसिटी लेवल और यू कैन से दैट द एक्टिविटी लेवल. 50%, 80% एंड 100%. 50% पे 5000 यूनिट्स थे, 100% पे 10000 यूनिट्स आपने कैलकुलेट किए थे एंड 80% पे 8000 यूनिट्स थे. देर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंसिस गिवन इन द क्वेश्चन. नंबर वन इज द वेरिएबल कॉस्ट, नंबर टू इज द सेमी वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट में आपके पास गिवन है रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस. सेमी वेरिएबल में आपके पास गिवन है फैक्ट्री एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस. तो स्टार्ट करते हैं इस फॉर्मेट को फिल करना. फॉर्मेट पे सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट है रॉ मटेरियल एट द रेट ऑफ 40 पर यूनिट. सो दिस इज द वेरिएबल कॉस्ट विच इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन और डिक्रीजेस विद द डिक्रीज इन द प्रोडक्शन. तो आपको मल्टीप्लाई करना है सिंपली 5000 इनटू 40. दिस इज 2 लाख. दिस इज माय रॉ मटेरियल. नेक्स्ट 8000 इनटू में 40 पर यूनिट. दिस इज 3,20,000. नेक्स्ट 10,000 इनटू में 40. दिस इज 4 लाख. This is 4 lakh. Next is direct labor 20 per unit. So 20 into my 5,000, this is my 1 lakh. Next 8,000 into my 20, 1,60,000. 10,000 into 20, this is 2 lakh. Direct expenses are 15 per unit. 15 into my 5,000, that is 75,000. 15 into my 8,000, that is 1,20,000. 15 into my 10,000, that is 1,50,000. तीनों पार्ट हमारे वेरिएबल कॉस्ट के हैं. यहां से आप वेरिएबल कॉस्ट का टोटल कर लेंगे. वेरिएबल कॉस्ट का टोटल आएगा 2 + 1 = 3, 3,75,000. नेक्स्ट वेरिएबल कॉस्ट टोटल इज 6 लाख. Next variable cost total is 7,50,000. So next part is semi variable cost. Semi variable cost में सबसे पहले आपने factory expenses calculate किए थे. तो factory expenses में आपने mention किया था out of 50,000, 25,000 are fixed and 5 rupees per unit is the variable cost. आपको simply यहाँ mention करना है 25,000 मेरे fixed थे and 5 rupees per unit. Similarly, हमने शो किया था एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का. एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में आपने शो किए थे 60,000 में से 36,000 आपने कैलकुलेट किया था फिक्स्ड है एंड वेरिएबल कॉस्ट आपने कैलकुलेट की थी 4.80 पर यूनिट फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एट द रेट ऑफ 4.80 पर यूनिट. नेक्स्ट फॉर द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस फिक्स्ड पार्ट इज 3000 एंड द वेरिएबल इज 5.40 पर यूनिट. सो फिक्स्ड पार्ट इज 3000 and the variable cost is 5.40 per unit. Now semi variable expenses को fill करने के लिए factory expenses में fixed expenses है 25,000. This remains same at all the levels of production. 5000 units पे भी 25,000 है, 8,000 यूनिट पे भी 25,000 रहेंगे एंड 10,000 यूनिट्स पे भी आपके 25,000 रहेंगे. सिमिलर इज द केस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस फिक्स्ड 36,000 फॉर 5,000, अगेन 36,000 फॉर 8,000, अगेन 36,000 फॉर 10,000. नेक्स्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में फिक्स्ड हैं आपके 3,000. So 3,000 for 50% capacity, 3,000 for 80% capacity and 3,000 for 100% capacity. Now coming to the variable factory expenses. Variable factory expenses is 5 rupees per unit. So this is per unit case
तो फर्स्ट केस इज 5000 यूनिट्स, तो 5000 मल्टीप्लाइड बाय में 5, दीज आर द वेरिएबल एक्सपेंसेस 25000. नेक्स्ट 8000 इनटू में 5, 40000. नेक्स्ट 10000 इनटू में 5, 50000. नेक्स्ट पार्ट है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का. एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में आपका जो पार्ट है वो हमारा पार्ट है फिक्स का है हमारा 36000 एंड द वेरिएबल इज 4.80 पर यूनिट. तो वेरिएबल में आपका 4.80 इनटू में 5000, दिस इज 24000. नेक्स्ट 4.80 इनटू में 8000, दिस इज 38400. नेक्स्ट 4.80 इनटू में 10000 इज माय 48000. नेक्स्ट पार्ट है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में. वेरिएबल कॉस्ट इज 5.40 पर यूनिट, सो 5.40 पर यूनिट इनटू में 5000 इज 27000. 5.40 इनटू में 8000 इज 43200. फाइव पॉइंट फोर जीरो इंटू में 10000, लास्ट पार्ट इज 54000. सो टोटल ऑफ ऑल द सेमी वेरिएबल कॉस्ट इज एट द लेवल ऑफ 5000, 25, 25, 25, 50 plus 60, 1 lakh 10,000 plus 30, this is 1 lakh 40,000. Now the next one is 1,85,600. Next one is 2,16,000. So this is my total semi-variable cost. Now for calculating the total budget cost, आपको दोनों cost को जो question में budgeted पे mention थी variable and semi-variable, उनको आपको total को add करना है. So we have to add now the variable cost and the टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट, दोनों को ऐड करेंगे और फाइनली हमारे पास आ जाएगा टोटल बजट कॉस्ट. सो 3,75,000 प्लस 1,40,000 इज 5,15,000. नेक्स्ट इज 6 लाख प्लस 1,85,600 इज 7,85,600 एंड द लास्ट वन इज 7,50,000 प्लस 2,16,000 इज 9,66,000. एंड द लास्ट थिंग जो आपको इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करनी होती है, नंबर वन इज द टोटल बजटेड कॉस्ट एट द डिफरेंट लेवल्स ऑफ एक्टिविटी, नंबर सेकेंड इज द पर यूनिट कॉस्ट. तो 5,15,000 कॉस्ट इज एट द लेवल ऑफ 5,000 यूनिट्स, तो 5,15,000 डिवाइडेड बाय 5,000 इज 103 पर यूनिट, सो नेक्स्ट लेवल इज माई फॉर 8,000 यूनिट्स. तो 7,85,600 डिवाइडेड बाय 8,000 इज 98.20 पर यूनिट. नेक्स्ट इज 9,66,000 डिवाइडेड बाय 10,000 इज 96.60. सो दैट्स ऑल अंडर द फ्लेक्सिबल बजट. होप दिस इज क्लियर. नाउ आई एम अगेन एडिंग वन मोर क्वेश्चन at the end of this video for your practice. Thanks for watching.